डियर स्टूडेंट्स, आई सुरेश कुमार प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज गुरु अर्स हाई एम ब्रिंगिंग टू यू ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडीज ऑन योर 10+2 जनरल इंग्लिश। आई एम अपलोडिंग माई दीज लेक्चर्स ऑन माई स्कूल्स यूट्यूब चैनल GSS बॉय स्कूल गुरु हर सहाय, सो दैट यू मे गेट बैटर प्रेपरेशन फॉर यूर एनुअल एग्जामिनेशंस। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सबसक्राइब माई स्कूल यूट्यूब चैनल इन लार्ज नंबर एज मैनी एज यू कैन। यू शुड ऑल्सो शेयर माई दीज द लिंक्स ऑफ माई दीज लेक्चर्स टू योर फ्रेंड्स रेलेटिव्स एंड अदर पीपल सो दैट दे मे गेट फुल बेनिफिट फ्रॉम माई दीज लेक्चर्स एंड गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। आई एम टूडे स्टार्टिंग ए न्यू लेसन फॉर यू फ्रॉम द बुक ऑफ योर प्रो सेक्शन। द न्यू चैप्टर न्यू एसे इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाई हेलन कैलर। लेट्स डिस्कस इट्स समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज माई फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस चैप्टर। Now let's start. The writer remembers the most important day of her life. लेखिका अपने जीवन दे सब तो महत्वपूर्ण दिन नू याद करदी है। It is the day when her teacher Anne Sullivan came to her. ए ओ दिन सी जदों उस दी अध्यापका Anne Sullivan जेड़ी सी उस कोल आई सी। She was surprised to see her, ते ओ उसनू देख उसनू मिलके हैरान हुई सी। There was a great contrast between the two lives which it connects, ते इन्हां दोवां दे जीवन दे विच जेड़ा है ओ एक बहुत वड्डा जेड़ा है ओ भिन्नता है जेड़ा जेड़ी की सानू इस दे नाल जोड़दी है। She came to her on 3rd March of 1887. Oh, उस कोल 3 मार्च 1887 नू आई सी। ते she was then three months before she was 7 years old. ए समा सी उस दे 7 साल पूरे होन तो 3 महीने पहला दा। She was full of excitement, उत्सुकता दे नाल उत्तेजना दे नाल ओ भरी हुई सी। On the arrival of Anne Sullivan दे आउन ते ओ बहुत ज्यादा उत्तेजित सी। She thought that something unusual would happen. उसने सोचा कि कुछ एक असाधारण घटना घटन वाली है। She was worried and tense. वो चिंतित सी अते तनाव दे विच सी। She was like that of a large ship which was trying to reach the shore. वो इस तरह दी सी, उसकी हालत इस तरह दी सी कि कोई वड्डा समुद्री जहाज होवे अते अपने कंडे ते पहुंचन दी कोशिश कर रहा होवे। She was waiting for something to happen. वो कुछ एक घटित होण दी जड़ी है ओ दा इंतजार कर रही सी। Then she felt the approaching of footsteps. फिर उसनू किसी दे आउन दी जड़ी पैरां दी आवाज महसूस हुई।
शी स्ट्रेचड आउट हर हैंड, उसने अपना हाथ अगे वधाया। शी होप्ड दैट हर मदर वुड होल्ड हर हैंड, ते उसनु उम्मीद सी कि उसकी मां उसका हाथ फड़ेगी। समबॉडी हैड हेल्ड हर हैंड, किसी ने उसका हाथ फड़ लिया सी। ते इट वाज हर टीचर एन ए सिलवैन हू केम, ए उसकी अध्यापका एन ए सिलवैन सी जेडी की आई सी। बिफोर गोइंग अहैड आई वुड लाइक टू टेल दैट हेलन कैलर हैड फेवर when she was 18 months old and she lost her eyesight and became totally blind. Now let's go ahead. On next day of her coming, us de aun to agle din, Anne Sullivan took Helen to her room. Anne Sullivan Helen nu apne kamre de vich lai gayi। शी गेव हेलन ए डोल, उसने हेलन नू एक गुड़िया दिती, ए टॉय फॉर प्लेइंग। द ब्लाइंड लिटल चिल्ड्रन ऑफ पर्किंस इंस्टीट्यूशन सेंट दैट डोल फॉर हेलन, ते अन्ने जड़े छोटे बच्चे सन पर्किंस इंस्टीट्यूशन दे संस्था दे, उन्होंने हेलन दे लई ए गुड़िया भेजी सी। हेलन कैप्ट ऑन प्लेइंग विद दैट डोल, हेलन कुछ समय फार सम टाइम कुछ समय लई उस गुड़िया दे नाल खेड़दी रही। ते मिस सुलवैन स्लोली स्पेल्ट DOLL, ते हेलन ने जेड़ा है सुलवैन ने हौली हौली DOLL यानी कि डॉल जेड़ा शब्द सी उस दे जड़े अखर सन ओ उस दे हाथ दे उत्ते जड़ा है ओ स्पेल्ट कर दिते सन बना दिते सन। हेलन स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट फिंगर प्ले, हेलन इस उंगलियां दी खेड दे नाल जड़ा है ओ उस दे विच रुचि लैन लग पी। हेलन ट्राई टू इमिटेट सुलेवान, हेलन ने सुलेवान की नकल करन की कोशिश की। शी गोट सक्सैस इन स्पेलिंग द वर्ड डोल करैक्टली यूजिंग द मैथड ऑफ फिंगर प्ले, उंगलों के नाल खेड दे तरीके नू अपना के ओ उसने DOLL जड़ा शब्द सी ओ शुद्ध रूप दे विच जड़ा सी ओ स्पेल कर दिता सी, उस दे शब्द जोड़ लिख दिते सन। शी फेल्ट हैप्पी एंड प्राउड, खुश होई ते उसनू इस ते माण महसूस होया। शी रेन डाउन स्टेयर्स, ओ पौड़ियां तो थल्ले वल नू दौड़ी एंड वेंट टू हर मदर, ते अपनी मां कोल गई। शी हेल्ड अप हर हैंड, उसने अपना हाथ उपर उठाया एंड मेड द लैटर्स फॉर डोल, ते उसने जड़ा है डोल DOLL डोल जड़ा सी गुड़िया जड़ी सी उस दे मतलब जड़ी स्पेलिंग जड़ी सन ओ उकार दिते शब्द जोड़ लिख दिते। शी डिड नॉट नो दैट शी वाज स्पेलिंग ए वर्ड और इवन दोज वर्ड एग्जिस्टड, ते उसनु ए हैरानी हुई सी कि शी वाज स्पेलिंग ए वर्ड, कि ओ एक शब्द दे शब्द जोड़ लिख रही है जा फिर ओ शब्द जेड़े की एग्जिस्ट करदे सन होंद दे विच सन। शी वाज सिंपली मेकिंग हर फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशन, ओ बड़े साधारण जे ढंग दे नाल अपनियां उंगलां जेड़ियां सन ओ बंदर दी तरह नकल करके अपनियां उंगलां चला रही सी। शी हैपन्ड टू स्पेल ए ग्रेट मैनी वर्ड्स, उसने और भी बहुत कुछ शब्द जेड़े सन बहुत सारे शब्द लिख दिते, उन्हां दा जेड़ा सी ओ
शब्द जोड़ लिख दिते। सम ऑफ दीज वर्ड्स वर, उन्हां शब्दां दे विचों कुछ एक शब्द सन पिन, हैट, कप मतलब के सुई, टोप कप, एंड ए फ्यू वर्ड्स लाइक, अते कुछ एक शब्द वर्ब दे किरिया दे जिवें कि सिट बैठना, स्टैंड उठना, वाक तुरना, ये शब्द जिहड़े सन ओह उसने इन्हां दे शब्द जोड़ लिख दिते सन। आफ्टर सैवरल वीक्स शी अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज ए नेम। कुछ हफ्तियां दे बाद उसनू ये समझ आ गई सी कि हर एक वस्तु का कोई ना कोई नाम हुंदा है जा नाम हुंदा है। दिस इज माई फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू टू लेंथी वीडियो आई एम स्टॉपिंग हेयर एंड आई विल कंटिन्यू टुमारो विद इट्स सेकंड पार्ट। टिल दैट यू शुड स्टे होम, स्टे सेफ बट स्टडी हार्ड फॉर बेटर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड यू शुड सेंड माई दी लेक्चर्स टू योर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।